जानो तुम्हारा दूसरा शू कहाँ गया? दिखा ना। बनी का एक शू मिसिंग है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। दिस इज बाशु एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम हैं ऋषिकेश में और आज हम जा रहे हैं कोडियाला विलेज, जो ऋषिकेश से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको शिवपुरी और ब्यासी क्रॉस करके जाना है, तो बने रहे हमारे साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल गाइस, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें, और कोई सजेशन हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं कोडियाला विलेज, फिर हम वहां जाके आपको बाकी का जितना भी इन्फॉर्मेशन है हम बताएंगे, रिवील करेंगे। तो गाइस अभी हम शिवपुरी पहुंच चुके हैं, यहां थोड़ा धूप दे रही है। दिस इज योर मरीन ड्राइव, नेम ऑफ द ब्रिज इज मरीन ड्राइव। ये आपका नया कंस्ट्रक्टेड है। तो गाइस अब हम पहुंचे हुए हैं, ये आपका जो विलेज है ये आपका मालाकुंती विलेज, और ये आपका न्यूली कंस्ट्रक्टेड मरीन ड्राइव रोड एंड ब्रिज है। पहले यहाँ टूटी फूटी रास्ते होते थे और बहुत मुश्किल होता था इसको क्रॉस करने में, तो आज ये बन चुका है और स्मूथली आप 2-3 मिनट में क्रॉस कर सकते हैं। और ये जो लोकेशन है ये बहुत पॉपुलर लोकेशन है, आपको दिखाते हैं क्यों। आपको दिखाते हैं, आओ। ये लोकेशन बहुत पॉपुलर है क्योंकि यहाँ भी एक बहुत ही पॉपुलर आपका VNA रिजॉर्ट कम कैंपिंग साइट है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये आपका VNA रिजॉर्ट कम कैंपिंग साइट है, ठीक है। और यहाँ से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है, आपका जो बीच है डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। ये आपका शिव झूला है, ये आपका शिव झूला है, एक सस्पेंशन ब्रिज है। और इस विलेज का नाम है, पीछे आप देख सकते हैं ये आपका विलेज है, और उस विलेज का नाम है मालाकुंती विलेज। और यहाँ से आपका कोडियाला जो विलेज है, यहाँ से कोडियाला विलेज करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 10-11 किलोमीटर की दूरी पर ब्यासी। तो फाइनली गाइस हम ब्यासी पहुँच चुके हैं। तो गाइस दिस इज योर सिंगताली, ये आपका सिंगताली है, और बस थोड़ी देर में हम आपको लोकेशन दिखाने वाले हैं। सो गाइस दिस इज द लोकेशन, ध्यान से देखिए। दिस इज योर वाइड सैंड बीच, और ये आपका पुल है, इसको क्रॉस करके हम जाएंगे इस साइड। बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है ये लोगों के लिए। लोग आते हैं यहाँ फोटोशूट के लिए, प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए आते हैं, रील्स बनाने आते हैं, और काफ़ी एल्बम्स भी बन चुके हैं इस एरिया पर, और इसे कहते हैं कोडियाला बीच। तो गाइस हम अभी क्रॉस करने वाले हैं झूला पुल सिंगथाली, नीचे जो सस्पेंशन ब्रिज है, जो सस्पेंशन ब्रिज है नीचे, वो आपका सिंगथाली झूला पुल है। नीचे जाने का रास्ता ये है, ठीक ठाक सा बना हुआ है, चलते हैं। ये आपका सिंगथाली में आता है, बट आप गूगल में आप टाइप करोगे ना ये बीच, तो आपको कोडियाला बीच टाइप करना होगा। आ जाओ बनी। सो दिस इज द ब्रिज, सिंगथाली ब्रिज, और क्रॉस करके हम जाएंगे इधर ये सामने। सो गाइज दिस इज योर सिंगथाली ब्रिज, ये एक आपका सस्पेंशन ब्रिज है, क्रॉस करके जाएंगे और क्रॉस करके आपको बीच के साइड ले जाते हैं। आपका वाइट सैंड बीच है, देखिए कितना प्यारा बीच है, और ये आपका माँ गंगे, और चारों तरफ से आपका पहाड़ी पहाड़ है, और मौसम ठीक है, ऊपर बादल बन रही है, पता नहीं बारिश भी हो सकती है, बट जल्दी से क्रॉस करके जाते हैं और आपको बीच दिखाते हैं। आपको कैसा लग रहा है ये लोकेशन आप ज़रूर बताइएगा। ये आपका सिंगथाली है, कोडियाला थोड़ा आगे, बट आप गूगल में सर्च करेंगे तो कोडियाला बीच आपको टाइप करना पड़ेगा, तो आपको ये दिखाएगा, यही बीच दिखाएगा आपको, बट कोडियाला 1-2 किलोमीटर आगे है, वहाँ आपको ले जाएंगे और आपको GMVN गेस्ट हाउस दिखाते हैं, जो बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है आपके नदी के पास ही, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, तो वहाँ भी दिखाएंगे।
पहले हम जाते हैं और बीच आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं, चलो। तो गाइस हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है, अब हम नीचे जा रहे हैं बीच की तरफ। और नॉर्मल से आपका ट्रेल है, बट ध्यान से आपको चलना होगा क्योंकि पेबल्स स्टोन्स काफ़ी है। अगर मैं बोलूँ तो ये कोडियाला बीच है, और वैसे तो ये सिंथाली में आता है, तो यू कैन से सिंथाली बीच। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है आपका कोडियाला। सो दैट इज़ योर सिंथाली ब्रिज, जो सस्पेंशन ब्रिज है। या आपका नदी, गंगा नदी, या आपका वाइट सैंड बीच, कितना प्यारा लोकेशन है। तो गाइस अभी तक तो ये बीच काफ़ी साफ मिला हमें, थैंकफुली लोगों ने गंदा नहीं किया यहाँ, और लोग आते भी नहीं है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है यहाँ। सो गाइस आपको कैसा लगा ये लोकेशन ज़रूर बताइएगा, हमने काफ़ी मस्ती किया, ठीक है। और कितना सेक्लूडेड है, देखिए कोई भी नहीं है, कोई क्राउड ही नहीं है। और आज संडे है, और बस बन्नी का एक शू मिसिंग है, उसने शू रखा था यहाँ, पता नहीं कौन उठा के ले गया। आई एम श्योर कोई इंसान तो लेके नहीं गया होगा, जानवर हो सकते हैं। हार्डली 1 किलोमीटर था, ज़्यादा नहीं था। और ये है आपका कोडियाला विलेज, आप बोर्ड में देख रहे होंगे, दिस इज योर कोडियाला विलेज। बहुत पास है आपका बीच से, और यहाँ आपको वो गेस्ट हाउस दिखा देते हैं। सो गाइस ये है आपका कोडियाला विलेज, एंड ये आपका डैनियल्स डीप रेस्टोरेंट, टूरिस्ट एंड राफ्टर्स कैंप, बहुत ही पॉपुलर आपका रेस्टोरेंट है। और ठीक इसके पीछे ही आपका GMVN का गेस्ट हाउस है, और यहाँ से श्रीनगर करीबन 62 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आपका बद्रीनाथ रोड। तो ये देखिए, ये आपका गंगा नदी है, और ये आपका कॉटेजेस, दिस इज़ योर GMVN गेस्ट हाउस। इसको बुकिंग करने के लिए आपको ऑनलाइन जाके ऑफिशियल साइट में आपको बुक करना होगा। अगर आप 2-3 फैमिलीज आ रहे हैं तो आपको 4-बेडेड रूम लेना होगा। ये जो सामने वाले सब 4-बेडेड है, ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये एक है आई थिंक, ये 4-बेडेड रूम है, और इसके पीछे वो है डबल बेडेड। तो जो डबल बेडेड है 5,000, जो 4-बेडेड है वो 7,400 का है। सो गाइस दिस इज़ योर GMVN गेस्ट हाउस। ये आपका जो बीच है वहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकेशन इतना प्यारा है ना, सामने ही आपका गंगा नदी है और पहाड़ है, और ये है आपका GMVN गेस्ट हाउस जो टोटली लकड़ियों का बना हुआ है, वुडन। ये आपका सब फ्रंट व्यू है, जितने भी कॉटेजेस है ना सब उसका ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। आप पीछे भी रहते हो या सामने रहते हो, आपको फ्रंट व्यू मिलेगा। तो आगे जाके आपको इज इट योर, नो इट्स फाइन, टोटली फाइन।
Is it a four-bedded or a double-bedded cottage? It's a family suite. It's kind of a family room. It has two bedrooms and a lobby which has a sofa cum bed. Okay. So it is quite a big. And what is the cost per night? 7,400 for this. 7,400. Yes. Yes. Oh, wow. Yes. And it's for four beds, two double beds with two separate bathrooms. Okay. And a lobby which has with air conditioned bedroom. Including your breakfast? Or no, there is no meal included. Excluded all that. Yeah. सो गाइस, आप ये लोकेशन देख के खुश हो गए होंगे. तो आपको कैसा लगा ये गेस्ट हाउस, ये कॉटेज और ये लोकेशन और आपका जो बीच, ज़रूर बताइएगा. और मैं यहाँ एंड करता हूँ अपना ब्लॉग. अगर कोई सजेशन हो मेरे लाइक तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. मिलते हैं अगले ब्लॉग में.